इस समय रेड की जिम्मेदारी निभाते हुए और पहला कैंप वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर कामयाबी यहां पर मिलती हुई शीतलागंज के रेडर को। प्रयास किया गया था किसको? अच्छा, पानी की आवश्यकता है प्लेयर को। वेल एंडिया से एक बार पानी की व्यवस्था करा दें। इस समय चल रहा है जो मुकाबला, वो सेमीफाइनल मुकाबला है। एक पॉइंट अर्जित कर चुकी है टीम, दो पॉइंट अर्जित कर चुकी है रेडर धर्मपुर शीतलागंज के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। बाई के जरिए धर्मपुर ने सेमीफाइनल तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन सेमीफाइनल में उसके सामने टीम जो है शीतलागंज जो काफी मजबूत नजर आ रही है। नतीजा आप देख रहे होंगे कि पहले हाफ का खेल चल रहा है और 3-0 की लीड बन चुकी है अभी तक। धर्मपुर का रेडर, हालांकि मैच है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्लेटवार यहां से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से टैकल किया जा रहा है उसको देख कर तो कतई आशा है, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, कोई तवक्को नहीं लगाई जा सकती कि वापसी करेगी टीम धर्मपुर। तीन खिलाड़ी सुपर टैकल आन। चलिए हाफ टाइम का ये लास्ट रेड इस समय। चलिए हाफ टाइम 4-1 समय। रेडर और चैन का शिकार हो गए। सेकंड हाफ चल रहा है, सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल आन है। बताए आप, बॉडी लैंग्वेज झुक गई है। चलिए एक और पॉइंट आता हुआ है यहां पर शीतलागंज के लिए। सलमान में शीतलागंज की जो टीम यहां पर लॉन्च की है, निश्चित तौर से एक जबरदस्त टीम है। हालांकि अरमान खासे पीछे जा रहे हैं, अभी तक तो हर टूर्नामेंट में उनकी टीम शिरकत कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने संभवतः ऑल आउट हो चुकी है टीम जसवंत इस समय रेट पर। चलिए रेड एम्प्टी जाती हुई। रेड एम्प्टी गई, सिटी वाले थोड़ा सा अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि चलिए कम से कम इनसे बेहतर तो सिटी खेल रही थी, कम से कम खाता तो खोल ली थी। धर्मपुर के लिए तो बड़ी चुनौती यही है, खुल गया खाता, लीजिए बराबरी कर लिया है। इस समय शीतलागंज, हालांकि खेल अंतिम समय पर चल रहा है, कभी भी इस मैच की घोषणा खत्म होने की घोषणा हो सकती है। आपका खेल चल रहा है, एक मात्र पॉइंट जो कि इस समय रेडर रेड कर रहा है इसके खाते में। चलिए चैन का शिकार हो गए।
एक और पॉइंट शीतलागंज के नाम जाता हुआ। सेकंड हाफ का ये लास्ट रेड चलिए मैच समाप्त हुआ। सड़क बाजार धर्मपुर चुकी है, दोनों टीमें तो खेल ही रही है, कम पीछे जाकर के संपर्क कर लें। चलिए यहाँ पर पॉइंट अर्जित किया है वो भी पर पहला ही रेड सुपर रेड लगता हुआ। सुपर टैकल करके वापसी का बिगुल बजाएगी टीम सड़क बाजार। लीजिए एक लंबा स्ट्रेच लगा सामने की तरफ, डाइव कर पर सुपर आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा था डिफेंडर, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। ठीक वहां पर लगाई गई है और दो टच का भी प्रयास किया गया राइट कॉर्नर पर लगातार प्रहार, लेकिन यहां पर स्वीकार किया गया है रनर आउट। साइड लॉबी के बाहर भेज दिया गया बेंच पर। करिए तो लास्ट माता चिराग घुसने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए सेल्फ आउट हो गया, डिफेंडर 1+2 का इशारा आ रहा है रेफरी का, तो ऑल आउट पहले ही हाफ में हो चुकी है टीम सड़क बाजार। काफी निराशाजनक प्रदर्शन है अपने लोकल दर्शकों के सामने उनका, कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत थी, लेकिन यहां पर बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। एक और पॉइंट आता हुआ धर्मपुर के लिए। धर्मपुर की टीम शुरू से ही बिल्कुल अटैकिंग मोड में खेल रही है, कहीं से कोई भी ढील देने के मोड में नहीं है इस समय रेगा। निश्चित तौर से अच्छा रेड करते हुए अभी तक उन्हें टैकल नहीं किया गया है, पॉइंट भी अर्जित किया है, एक बार फिर से पॉइंट अर्जित किया है उन्होंने। एक और पॉइंट आता हुआ धर्मपुर के लिए। सेकंड राउंड का पहला मैच इस समय चल रहा है, पहले मैच का और पहला हाफ यहां पर खेला जा रहा है। देखिए यहां पर पॉइंट अर्जित करते हैं या फिर इन्हें भी बेंच पर जाना पड़ेगा, ये वक्त तय करेगा। इस समय कोशिश तो की जा रही है उनके द्वारा, लेकिन यहां से संभवतः रेड एम्प्टी जाएगी। ये बिल्कुल यहां पर रेड एम्प्टी जाती हुई, पांच खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई सड़क बाजार। चलिए एक और शिकार होता हुआ, सर जीरो लिए हुए हैं अभी तक सड़क बाजार। क्या उस जीरो के बोझ को यहां पर उतार पाएगी टीम पहले हाफ में, या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा कर केवाईसी जमा करके खाता खोल पाएंगे, ये वक्त बताएगा। अबे खाता खोल ले भाई साहब, बेइज्जती ना कराओ। चलिए बड़ी चुनौती है इस समय सड़क बाजार के पास, संभवतः एक और यहां पर शिकार कर लिया है। हाफ टाइम पर दोनों टीमों का स्कोर एक का तो बड़ा सा जीरो है, दूसरे का 13 है। क्या यहां पर सुपर टैकल करके पॉइंट जो अकाउंट है उसे ओपन करेगी टीम। लीजिए एक और पॉइंट आता हुआ, दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लास्ट टीम माता चिराग पूछेगा या फिर पॉइंट लेकर के आएगा। अगर यहां पर खाली हाथ लौटते हैं तो निश्चित तौर से बचा पाना बहुत ही मुश्किल काम है ऑल आउट का, जो कह लीजिए। चलिए एक बार फिर से होती हुई टीम सड़क बाजार। चलिए भैया सेल्फ आउट हो चुके हैं लाइन में, पहले पॉइंट की तलाश में दर्शकों का शोरगुल, लेकिन डिफेंस अच्छा खेल दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है इस समय। चलिए रेड एम्प्टी गई है एक बार फिर से रेडर धर्मपुर, काफी दूर से पैर पकड़ने की कोशिश तो की गई एंगल होल्ड की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और पॉइंट यहां पर धर्मपुर को,
चलिए खुल गया खाता। देख रहे आपका मोदी खाता। चलिए निश्चित तौर से अच्छे रेडर हैं, लेकिन जमीन पर अपना खेल अभी तक दिखाई नहीं दे पाए हैं, वो उतार नहीं पाए जमीन पे किस तरीके का खेल वो जो खेलते हैं। और यहाँ पर फिसलन पैरों में शिकार कर लिया गया है। एक और पॉइंट आता हुआ धर्मपुर के लिए। निश्चित तौर से धर्मपुर ने एक अच्छा खेल दिखाया है और सामने से ब्लॉक करके डैश करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर का पैर खुद ही मिड लाइन को क्रॉस कर गया था। रेडर सेफ होगा, डिफेंडर आउट होगा। इस समय रेडर सड़क बाजार चलिए लास्ट रेड है। चलिए कम से कम यहाँ तो सुपर रेड लगाइए, ठीक के जरिए पॉइंट अर्जित किया और मैं समाप्ति की घोषणा।